पूरी करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, निगम मैनेजमेंट मुर्दाबाद, दलित लाल मुर्दाबाद, ठेकेदार के चले मुर्दाबाद, कमीशन खोर अधिकारी मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। प्रिय साथियों नमस्कार, हम पहुंचे हैं गांव खेदड़ में, डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर। खेदड़ में राजू गांधी पावर प्लांट जो है वहां पर मैं दिखा सकता हूं अधिकतर संख्या में यहां पर जितने भी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे वो कर्मचारी आज एक धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। और मजबूर क्यों हैं? हम खुद यहाँ जो कर्मचारियों ने अपनी एक कमेटी बनाई है उस कमेटी के जो सरोसरी हैं उनसे बात करेंगे। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, विक्रम सोरान प्रदेश महासचिव अनुबंधित विद्युत कर्मचारी। तो सोरान साहब ऐसी क्या परिस्थिति आई जिसके कारण आप आज मतलब आपको एक बाहर धरने पर बैठना पड़ा? क्योंकि कर्मचारियों का तो एक वो मौसम है आज गर्मी के टाइम में, बिजली वाले के पास तो टाइम भी नहीं है क्योंकि आपको पता है गर्मी के मौसम में बिजली वाले का बस बहुत ज्यादा काम होता है। भाई साहब आपने भी पता है कि किसी ने भी धरना पर बैठने का कोई शौक को नहीं होता, किसी भी प्रकार की मजबूरी हो जाए जब धरना पर बैठना पड़ा है। हमारी मजबूरी यह है कि हरियाणा सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है कि पूरा हरियाणा में जितने भी विभाग है उनमें जो कच्चे कर्मचारी है उन सब ने ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिवांदे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करके रखा जाओगा। और सरकार उस तरफ कदम भी बढ़ाया और काम भी कराया है। परंतु के मामला है बिजली बोर्ड की 4 कंपनी है, एक डीएच, एक यूएच, एक एचवीपीएनएल और एक एचपीजीसीएल। जो ये 3 कंपनी है उनमें जितने भी कच्चे कर्मचारी है सारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जा लिए। परंतु एचपीजीसीएल जो मुख्य कंपनी है जड़ा बिजली बने ओडा की मैनेजमेंट पता नहीं किस दबाव में है के कारण है, या हरियाणा सरकार की जो बनाई हुई कंपनी है या हरियाणा जो सरकार की जो नीति है उसका उल्लंघन करने लग रही है और ठेकेदारी प्रथा ने बढ़ावा देने लग रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो कच्चे कर्मचारी उन्हें शामिल को नहीं करने लग रही, उसे का विरोध में धरना चलने लग रहा है। क्या आपका पावर प्लांट हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में? जो खेदड़, यमुनानगर, पानीपत 3 प्लांट है, ये हरियाणा सरकार के प्लांट है। इस पर हरियाणा सरकार का स्वामित्व है, जो इसके अधिकारी है वो हरियाणा सरकार के। तो आपकी मैनेजमेंट से क्या बात हुई पहले भी और बाद में भी? पिछले 6 महीने तक लगातार हम पत्राचार हो, धरना प्रदर्शन हो, एमडी हो इस विभाग का, एसीएस हो, सब तक लगातार संपर्क में। हाँ, बार बार हमने आवाज उठाई है कि जब सरकार ने एक व्यवस्था बना दी, हरियाणा का मुख्यमंत्री हर जगह ढिंडोरा पीटन लग रहा है कि हमने ठेकेदारी प्रथा का अंत कर दिया, ठेकेदारी प्रथा का अंत कर दिया। फिर आज ये थर्मलिया में 3000 कर्मचारी ठेकेदार के अंदर क्यों? विभाग बनाने के बाद भी ठेकेदारी प्रथा या हड़ा बैठी है। भाई देख सको, जितने भी दर्शक न्यूज में देखने लग रहे हैं देख सको हो, या ठेकेदारी प्रथा हड़ा बैठी है भाई आज। और इस बारे में हमने धरना शुरू करने तभी पहले बताया था कि हम धरना शुरू कराएंगे, या तो हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल कर लो। न्यू बोले तो हम तो कुछ भी को नहीं, हमने 10-15 साल हो गए अड़ लागे, फिर भी नहीं बोले तो हम कुछ नहीं, तांबक जो के तारे बुआई और आवगे। आज भी यो थर्मल मैनेजमेंट इतना अड़ियल रवैया अपना रहा है कि मारते बातचीत करने के सोचना तो दूर की बात है, आस पास के गाँव में मत है। छोटे छोटे युवा जो ITI करके बेरोजगार है उनमें प्रलोभन दे के पीसेगा और थर्मल के मौत के कुआ में लेने लग रहे हैं। आज के दिन यो थर्मल चालन लग रहा है। आप पे बाहर धरने पे बैठे हो, ऐसे कितने एम्प्लॉइज हैं जो ला करके काम करवा रहे हैं? जो हमारी सूचना लगभग 100 के लगभग कर्मचारी है जो नए लिया इस थर्मल ने चलान लग रहे। आप भी समझदार हो कि इस थर्मल ने चलानी है 1100 कर्मचारी तो बाहर है और 100 कर्मचारी काम करने लग रहे, तो क्या वो 100 कर्मचारी इस थर्मल को चला सकते हैं? क्या वो जो बच्चे अंदर काम कर रहे हैं, आप 100 की संख्या बता रहे हो, क्या वो 100 डिप्लोमा धारक है, डिप्लोमा लिए हुए हैं या बगैर डिप्लोमा के वैसे कोई भी पकड़ के काम करवा? कुछ नहीं, एक मैसेज छोड़ दिया गाम्या में, कंपनी का उसका ठेकेदार का नाम लिख दिया, भाई थर्मल में वैकेंसी निकल रही है, और कोई आओ और नौकरी पाओ, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। उस आधार पर कराखी है और मौत का कुआ बना के नौकरी करवाने लग रहे हैं। यो थर्मल आज के दिन जिस कंडीशन में चलने लग रहा है, वह कंडीशन यह है कि अरे घने कर्मचारियों की जान भी जा सके और सरकार का करोड़ों रुपया नुकसान भी हो सके। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर सर्विस करते हुए? जी हमको, मैं 2009 से यहाँ पर सर्विस कर रहा हूँ। 2009 से में आपने ज्वाइन किया अंदर में 2009 में, और आज 2023 है, कितने साल हो गए? अभी 14 साल हो गए जी, 14 साल लगातार यहीं पे सर्विस कर रहे हैं। क्या 14 साल से आप ठेकेदारी प्रथा के अंदर में है? बिल्कुल जी, 14 साल से ही ठेकेदारी प्रथा के अंदर है और लगातार शोषण हो रहे हैं। आपको सैलरी कितनी मिल रही है? स्टार्टिंग में कितनी थी और अब तक कितनी है? स्टार्टिंग में 2009 में हम लगे, उस टाइम पे सैलरी हमारी 5300 रुपये सैलरी लगी थी। बीच में कुछ वही ठेकेदारी प्रथा के कारण 4600 रुपये भी आ गई थी, लेकिन 14 साल के बाद भी हमें शेयर डाउन हो गया था, लेकिन फिर थोड़ा सा शेयर में कुछ होया, बस आज में हमने 11000 रुपये का आश्वास मिला, बस 14 साल के बाद। 14 साल में 5300 रुपये से 11000 लगे, बढ़ोतरी तो बहुत हुई भाई। हाँ जी, बढ़ोतरी हुई ना, हाँ इससे ज्यादा बढ़ोतरी तो जी उम्र में होगी। हाँ जी भाई साहब, ये कहना चाहोगे जो आप आज मजबूर हो यहाँ बेचने के लिए? यही मांग हमारी, कौशल रोजगार में जाना है जी, और यह लड़ाई जीत के ही उठाएंगे जी, यही मांग है जी हमारी तो कौशल रोजगार की। और भी मेरे साथ में बैठे हैं, हाँ जी क्या मांग है जी आपकी? हमारी तो यही मांग सब, हमें कौशल में होनी चाहिए, और यानी कि कौशल में जरूरी है। आपको पता है कि आपकी वजह से आज पब्लिक भी परेशान है, आपके पावर थर्मल पावर प्लांट से बिजली कहाँ कहाँ जाती है आपको पता है? पता है जी, सारा इंडिया में जावा है, लेकिन आप हम मजबूर आज चेयर भी नहीं गए, तनख्वाह कौन मिलती? आपने सरकार को पहले नोटिस दिया था? पहले दिया था जी, पहले रिफरेंस आया, कुछ भी नहीं मिला जी हमने, सुना ये को नहीं होती जी कड़िया भी सुनाई को नहीं हुई, माम जी बैठे धरना पर। आपको कितने साल हो गए नौकरी करते हुए? मैंने 12 साल हो गए जी। 12 साल हो गए? हाँ जी 12 साल हो गए। आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह जी 9 के आसपास है जी। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब हमारी मांग ये है भाई, हमने कौशल में करो, बहुत भ्रष्टाचार है अंदर, कोई ध्यान नहीं है हमारी तरफ, 4-4 महीना तो सैलरी कौन मिले भाई साहब। सरकार को क्या कहना चाहोगे? जो सरकार, जो दर्शक भी देख रहे हैं हमारे, और सरकार तक भी शायद ये न्यूज चली जावे। सरकार ने यही कहना चाहो जी, सीएम साहब ने, हमने भाई जल्दी जल्दी कौशल में करो, 5-10 हजार में किसी का चूल्हा कौन चढ़ा जी, बहुत बेरोजगारी है, बुरा हाल हो रहा है। ठीक, हमने कौशल में शामिल करे, ठेकेदारी प्रथा बंद करो जी। तो जी बने रहिए अगली अपडेट तक देशी न्यूज में, रिपोर्टर जिंदर मान के साथ। जय जवान जय किसान। जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ।